500 स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट बेंड होगा तो वो डिफेक्ट होता है, परमानेंट डिफेक्ट बनता है। फिर आपने इसको काटना है ऐसे, फिर एक टाणी ये एक अपोजिट ऐसे बाजू ले जाना सेंटर वाली, इसको आर्म या लेटरल बोलते हैं। और यहाँ से फल देने वाली टाणियाँ किनारे को बराबर दूरी पे निकाल और ये खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो पौधा लगाने का टाइम है वो जनवरी है, और 1.5 से 2 महीने पहले गड्ढा कर लेना चाहिए, खुला रहना चाहिए। उसमें अच्छा गोबर मिला के 15-20 किलो अच्छी तरह भर के और ऐसे भरना चाहिए उठा हुआ, क्योंकि वो बाद में सेटल डाउन करेगा। और शुरुआत में डंडे के साथ इसको बस मुड़ने नहीं देना है, क्वाइल नहीं करने देना है, और ये रंग तो ली जाएंगे, मुड़ेगा तो वो डिफेक्ट बन जाएगा। ये है ये ब्रांच यहीं तक जाना देना है, नहीं गलत है, ये ब्रांच आगे तक जाना चाहिए। आज की डेट में करना चाहूँ तो ये सारा उड़ा करके इसको कम से कम यहाँ तक लेकर जाता, फिर उधर से लेटरल ब्रांचेस आने देना। हाँ, फिर ना इसको ये मोटा आने देंगे तो सारी एनर्जी डाइल्यूट होती है, ये नहीं आने देना। ये मोटा रहेगा तो आप 25-30-40 साल तक फ्रूट लेते रहोगे। फल देने वाली क्या नहीं, यहाँ से बराबर निकलती रहेगी, आप 1-2 साल लाइफ में उसको यहाँ फ्रेश रहो, लेकिन आएंगी सारी इस तरह जो लेटरल। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मोटा बढ़ के पीछे को चला गया, ये नहीं होना चाहिए। और आइडियल टहनी क्या है, ऐसे जानी चाहिए टहनी, ये ऐसे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जाना, उसमें फ्रूटिंग अच्छा आता है। इसमें फल आउंसे आते हैं, फल नई टहनी पे आए, इसमें पिछले साल फल था, अब ये फटेगा, ये फटेगा, 3 फट सकता है 4, इसमें कितनी हेल्थ है, इसी साल फटेगा। हाँ, फिर टहनी आएगी इतनी लंबी, पत्ते आएंगे, पत्तों के बीच में फूल आएगा। इसको कटिंग करना है इसका? नहीं अभी नहीं, अभी कटिंग हो गया है, इतना हो गया कटिंग। हाँ। जो कटिंग नहीं हुआ उसको भी देख के आओ, कितना गहरा है, कितना कटिंग होता है, चलो आओ वहाँ देखते।